कारा जगजननी श्री माता वैष्णो देवी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक नए प्यारे से वीडियो में। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं आपका प्यारा YouTube चैनल ट्रेन लाडर। एक बार फिर से हम आपके समक्ष फरवरी महीने की नई जानकारियों के साथ एक नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, जिसमें आप सब घर बैठे माता रानी की यात्रा जुड़ी नई जानकारियां जानेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं गाइडलाइन की। फरवरी महीने की भी नई गाइडलाइन आ चुकी है, सामने आप गाइडलाइन भी देख रहे हैं और गाइडलाइन में सारी प्रक्रिया बिल्कुल सेम है। जैसा गाइडलाइन पहले था वैसा ही गाइडलाइन सेम है, कोई परिवर्तन नहीं है। अगर आप माँ भगवती की यात्रा पे आ रहे हैं, नाइट कर्फ्यू यहाँ पर इम्प्लीमेंट रहेगा। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो यहाँ पर फ्राइडे से लेके मंडे तक किसी प्रकार से कोई भी मूवमेंट को अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन ये जो मूवमेंट अलाउ नहीं करने की बातें कही गई है, वो सिर्फ वहाँ के लोगों के लिए कही गई है। अगर बात करें श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा की, तो यात्रा में जो भी यात्री आ रहा है उसको किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जितने भी ढाबा, रेस्टोरेंट और ईटिंग पॉइंट्स होंगे वो सुबह 6 बजे से लेके रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। साथ ही साथ जो भक्त माँ भगवती की यात्रा करना चाहेगा उसे यात्रा करने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, उनके लिए कोई भी रोक टोक नहीं होगा। इसके अलावा जो भी भक्त शिव खोड़ी यात्रा पर जाना चाहता है वो भी माता रानी की यात्रा करने के बाद भगवान शंकर के दर्शन करने शिवखोड़ी यात्रा पर जा सकता है। इसके अलावा अगर आप पत्नी टॉप वगैरह भी जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि आपके पास कोविड की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपने वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी है तो आपके पास कोविड वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। साथ ही साथ आप सबके पास ऑनलाइन यात्रा पर्ची स्लिप होनी चाहिए, जो कि इस नाइट कर्फ्यू या कोविड कर्फ्यू में आप सबके लिए एक पास की तरह वर्क करेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। पहला, या तो आप वैक्सीन के सर्टिफिकेट लेकर आइए अगर आपको दोनों डोज लगा है तो, अगर आपको सिंगल डोज लगा है तो आपको अपना कोविड की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लेकर आनी है। दूसरा, आप सबके पास ऑनलाइन यात्रा पर्ची स्लिप होनी चाहिए, इसके अलावा कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं माता रानी की यात्रा जुड़ी फिलहाल लेटेस्ट अपडेट की। इस समय देखिए माँ भगवती की यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और भक्त बहुत ही आसानी से माता रानी के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इस समय जो भक्तों की संख्या है वो 10,000 से लेके 15,000 के बीच ही बनी हुई है। इससे संख्या डिक्रीज ही हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही, क्योंकि फैब का महीना चल रहा है। इस समय ठंड भी है और इसके साथ साथ कोविड की जो ये बहुत केसेस बढ़ रहे हैं, इस वजह से बहुत सारे भक्त जो है वो अभी यात्रा कर भी नहीं पा रहे हैं। इसलिए यात्रा काफ़ी डिक्रीज वे में चल रही है और आपको इस समय दर्शन बहुत ही अच्छी तरीके से होंगे। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा जगह जगह पर आग अलाव की व्यवस्था भी की गई, जिससे जो भी भक्त माँ भगवती की यात्रा कर रहे हैं वो यात्रा के दौरान अपने हाथ पैर को गर्म करते हुए यात्रा करें, उन्हें किसी प्रकार से ठंड ना लगे। इस चीज़ को देखते हुए बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव श्राइन बोर्ड द्वारा भक्तों के लिए लिया गया है। अगर बात करें रूम हीटर की, तो जो भी आपके भोजनालय होते हैं जहाँ पर आप भोजन वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर भी रूम हीटर लगाया गया है, जो कि पूरी तरीके से हॉट रहता है, गर्म रहता है, जिसमें आप जब भी भोजन वजन करेंगे तो आपको एक अच्छा सा फील होगा, ठंड ज़्यादा महसूस नहीं होगा। पर जैसे आप बाहर निकलेंगे तो हल्का हल्का ठंड आपको लगेगा ही, हल्का क्या, भवन पर तो ज़्यादा ही ठंड लगेगा। अब बात करें मौसम से जुड़ी जानकारियों की, तो देखिए फिलहाल अगर हम बात करें गूगल की, तो गूगल की तरफ से जो मौसम अपडेट जारी किया गया है उसमें ये बताया गया है कि आने वाले 2-3 दिनों में मौसम थोड़ा ख़राब रहेगा, बारिश भी हो सकता है। यानी अगर आप आगामी 1-2 दिनों में प्लान कर रहे हैं तो अपने साथ रेनकोट लेकर जाइएगा, इसके अलावा अम्ब्रेला रख लीजिएगा, और हाँ, गर्म कपड़ा आप अपने हिसाब से ज़्यादा ही लेकर जाइएगा, क्योंकि देखिए जैसे जैसे मौसम ख़राब होता है या फिर बर्फ़ पिघलता है तो ठंड थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। इसलिए जितना हो सके उतना गर्म कपड़ा के साथ जाइए। मैं आप सबको इसीलिए कहता हूँ गर्म कपड़ा ले जाने को, क्योंकि देखिए अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं और गर्म कपड़ा आपके पास है और ठंड लग रहा है तो गर्म कपड़ा से आप अपने शरीर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गर्म कपड़ा लेकर जा रहे हैं और वहाँ आपको हल्का ठंड भी लगता है,
तो भी वो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि फ़ायदा ही करेगा हर वे में। इसलिए गर्म कपड़ा अपने हिसाब से ज़्यादा मात्रा में लेकर जाइएगा। अगर बात करें और भी सुविधाओं की, लाइक भोजनालय की सुविधाएं, घोड़ा पिट्ठू पालकी की सुविधाएं, रोपवे की सुविधाएं, हेलीकॉप्टर की सुविधाएं, पालकी की सुविधाएं, तो सारी सुविधाएं लगभग सभी भक्तों को मिल रही है। कोई भी सुविधा अभी फिलहाल बाधित नहीं है, बंद नहीं है, सारी सुविधाएं मिल रही है। हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से मौसम के ऊपर डिपेंड करता है, अगर मौसम ज़रा सा भी खराब होता है तो हेलीकॉप्टर सुविधा को नहीं चलाया जाता। इसके अलावा माँ भगवती की यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और भक्त माता के दर्शन बहुत ही प्यारे तरीके से प्राप्त कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा में कटरा शहर की, तो कटरा शहर जो है वो पूरी तरीके से भक्तों का स्वागत अभी भी कर रहा है और कटरा में दुकानें भी लगभग खुली हुई हैं। कोई भी दुकानें बंद नहीं है, जो टाइम शेड्यूल बनाया गया उस टाइम पर आपको सारी दुकानें खुली ही मिलेंगी। हालांकि बाज़ार इस समय थोड़ा ठप ज़रूर पड़ चुका है क्योंकि यात्रियों की संख्या थोड़ी सी डिक्रीज ज़रूर है, लेकिन कोई नहीं, माँ भगवती से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना रहेगा कि माता रानी जल्दी अपने बच्चों को अपने दरबार बुलाए और अपने प्यारे प्यारे दर्शन दे। इसके अलावा कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल वे में चल रहा है। और अगर आप यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि अपने साथ अपना कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट या फिर वैक्सीन की दोनों डोज की सर्टिफिकेट, साथ ही साथ अपने साथ आप ऑनलाइन यात्रा पर्ची ज़रूर रख लीजिएगा। इसके अलावा एक आईडी भी अपने साथ ज़रूर रख लीजिएगा ताकि आपको यात्रा के दौरान कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। अब अगर बात करें सबसे बड़ी जानकारी की, जो आप सबके मन में बहुत ज़्यादा उठता है, वो है प्राचीन गुफा का कपाट। बहुत सारे भक्त पूछते हैं कि प्राचीन गुफा के कपाट खुल गए हैं या फिर कब खुलेंगे, तो मैं आप सबको बता दूं कि देखिए फैब का महीना शुरू हो गया है लेकिन अभी तक भक्तों के लिए प्राचीन गुफा के कपाट नहीं खुले हैं। फ्यूचर में क्या होगा इसकी कोई जानकारी अभी अवेलेबल नहीं है। अगर इन फ्यूचर प्राचीन गुफा के कपाट खुलते हैं तो हम आप सबको सबसे पहले वो जानकारी शेयर करेंगे। इसलिए आप इसके लिए पूरी तरीके से ट्रेन राडर को सब्सक्राइब करके रखिए। इन फ्यूचर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है वो सही होती है तो हम आप सब तक ज़रूर साझा करेंगे। तो अब यही आशा करूँगा कि इस वीडियो में लगभग मैंने सारी जानकारियाँ आप सभी तक साझा कर दी है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और प्रश्न है तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाकर उस प्रश्न को पूछ सकते हैं। हमारी ये पूरी प्रयास रहेगी कि हम आप सबको जल्द से जल्द उस प्रश्न का उत्तर दें ताकि आपकी यात्रा सुंदर, आरामदायक और सफल हो। इसके अलावा अगर कोई भी अपडेट आएगी तो हम आपको आगे ज़रूर सूचित करेंगे। ये थी फरवरी महीने की कुछ नई जानकारी पहली वीडियो में। इन फ्यूचर की वीडियो के लिए आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम था आयुष, आप देख रहे थे आपका प्यारा YouTube चैनल ट्रेन राइडर। इसके अलावा Facebook पेज, तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। आजा माता।